प्रॉपर्टी, एक्सपेंस तो बहुत किया जाता है आपको अमेरिकनलाइज करने में। अगर ऐसा है आई शुड नॉट नेम बट मैं बताना चाहता हूं, और कहते हैं डिलीवर कर ली। आप देख रहे हैं आजकल आए दिन आप जहां भी जलसा देखेंगे उसमें 90% जलसे होते हैं मुलाजिमों के। हम भी सरकार के एक मुलाजिम तबका है, लेकिन हमें फखर से कहा जाता था इंजीनियर, हमें कहा जाता था इलाइट क्लास ऑफ द फ्रेटर्निटी। लेकिन आप अगर गौर से हमें देखें, हमारे अंदर बहुत सारी कहानियाँ बसी हुई हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे मुद्दे हैं। हम इंजीनियर काम करने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन जो हमारी हमारा कैरियर है, हमारी वी आल्सो हैव आवर फैमिलीज एट होम। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज भी मान लें कि हम इंजीनियर हैं। लोग ही न, हम लोगों को फैसिलिटी पहुँचा रहे हैं, उनकी लाइफ ईजी बना रहे हैं, लेकिन हमारे घर में बिलीव नहीं करते कि हम इंजीनियर हैं, क्योंकि हमारी ये हालत है। 11 साल के बाद मैं JEE हूँ, यहाँ 15-15, 20-20 साल के बाद इंजीनियर अभी भी JEE है। इसलिए हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं। चंद डिमांड्स को लेकर हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। 11 जनवरी को बजट सेशन में भी अनाउंसमेंट हो गई, एक डिमांड, दो डिमांड, तीन डिमांड ही मानी गई। अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हम उन चीज़ों को चाहते हैं। आज हमारा एक टोकन प्रोटेस्ट है, वन डे कैजुअल लीव है, उसको लेके हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो ही सेक्रेटरेट यहाँ खुलेगा, जैसे हमें ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ एश्योरेंस दिए कि आपका ACP ग्रांट किया जाएगा एट पार विद डॉक्टर्स, हमें उम्मीद है कि वो हो जाएगा और पहली कैबिनेट पहले 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी इंग्रेज लागू करो, रनिंग इंग्रेज लागू करो, रनिंग इंग्रेज लागू करो, FTA लागू करो, FTA अनाउंस करो, रनिंग इंग्रेज लागू करो, लागू करो, लागू करो, अशोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन लागू करो, लागू करो, FTA अनाउंस करो, अनाउंस करो, FTA अनाउंस करो, अनाउंस करो। हमारा ये प्रोटेस्ट जो है इंजीनियर्स की जेन्युइन और लेगिटिमेट डिमांड्स जो हैं उनको लेकर है। गवर्नमेंट ने असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस असेंबली बजट के अंदर ये फैसला लिया था। गवर्नमेंट ने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हसीब दराबू साहब ने ये बजट के अंदर एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के लिए, जिसे टाइम बॉन्ड रनिंग ग्रेड्स जो हैं उनके लिए ये डिसीजन लिया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली जब 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस ऑन पेपर आते हैं तो इंजीनियर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, और वहाँ पर जो वो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम टाइम बाउंड प्रमोशंस का जो सिलसिला था, टाइम बाउंड रनिंग ग्रेड्स का जो मामला था हमारा, तो उससे इंजीनियर्स को महरूम रखा गया। We want justice. We want